2019 का मंजर एक बार फिर दोहराने को तैयार। गंगा में बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाया पटना में बाढ़ का खतरा। पटना का 2019 का मंजर शायद ही कोई पटनावासी भूला होगा, जब पटना एक तैरता हुआ शहर बना हुआ था। सरकार और प्रशासन की लापरवाही और उपेक्षा का यहां रह रह कर लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बिहार की राजधानी कही जाने वाली पटना नीतीश सरकार और उनके अनुयायियों के संरक्षण में बाढ़ में तैरता हुआ दिखा था। नमस्कार, मैं हूं अक्षता सहाय और आप देख रहे हैं टीडी हलचल। बिहार की राजधानी पटना में गंगा का स्तर एक बार फिर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पटना वासियों के सर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिहार के बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिले के साथ ही राजधानी पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर जा चुका है, जिससे इन शहरों पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल बिहार का लगभग 17% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, जहां बाढ़ के वजह से लोगों की दैनिक जीवन काफी प्रभावित हुई है। पानी का स्तर इतना बढ़ा हुआ है कि लोग मकान के दूसरे फ्लोर या छतों पर जाके वास कर रहे हैं। पटना में गंगा नदी का जलस्तर पिछले 4 दिनों में तेजी से बढ़ा है, जिससे शहर पर बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। बक्सर में गंगा नदी खतरे के निशान से 31 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं पटना के दिघा इलाकों में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर था। पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान से 98 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि हाथीदह में पानी खतरे के निशान से 88 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। ऐसे में बाकी जिलों के साथ साथ राजधानी पटना में भी बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। हालांकि नीतीश सरकार का कहना है कि 2019 के मुकाबले इस बार ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था में सुधार आई है और इस बार वैसी स्थिति नहीं होगी। अब सरकार के इस दावे में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए टीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।